उत्तराखंड की पांचों सीटों पर कल यानी शुक्रवार को पहले चरण में मतदान होगा। इससे पहले राज्य में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। प्रदेश में शराबबंदी लागू हो गई है। मतदान संपन्न होने तक शराब की बिक्री और लाने ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। बुधवार को 703 पोलिंग पार्टियां मतदान संपन्न कराने के लिए रवाना कर दी गई है। वहीं आज 11,000 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य को रवाना की जाएंगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोंगडंडे ने बताया कि आज प्रत्याशी केवल डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। चुनाव के लिए चमोली में 544 पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी, जबकि 40 पार्टियां दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए बुधवार को ही मतदान केंद्रों तक पहुंच गई हैं। चमोली जिले की तीनों विधानसभा में कुल 584 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। पार्टियां रवाना हो रही हैं, उनके आपातकालीन व्यवस्था के रूप में हमने 2 हेलीकॉप्टर का व्यवस्था किया हुआ है। एक हेलीकॉप्टर गढ़वाल क्षेत्र में तैनात किया जाएगा और दूसरा हेलीकॉप्टर कुमाऊं क्षेत्र में तैनात किया जाएगा, जिसको केवल इमरजेंसी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सभी पोलिंग पार्टियां जो है वो सड़क मार्ग से अपने अपने बूथों पर जा रही है। उनके साथ में हम लोगों ने जो है एक बूथ लेवल हेल्थ मैनेजमेंट प्लान भी उपलब्ध कराया हुआ है, जिसमें नजदीकी PHC का नंबर हो सकता है, CHC का नंबर हो सकता है, नजदीकी एम्बुलेंस का नंबर हो सकता है, और उसी में हम लोगों ने हेलीपैड के विवरण भी हमें उपलब्ध कराए हुए हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार का जो मतदान होगा ये बिल्कुल कैजुअलिटी फ्री होगा। इसमें कोई भी आपातकालीन स्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी, बट उनकी सहायता के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।